अमेरिका बहुत ऊंची इमारतें बना सकता, चाइना बहुत तेज गति से उड़ने वाले जेट प्लेन का निर्माण कर सकता, जापान बहुत अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बना सकता, लेकिन मित्रों चेतक घोड़े को जन्म देने की ताकत सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की धरती की है। अमेरिका में चेतक जैसा घोड़ा नहीं होता। भारत माता की और महारानी चेतक को जाके बोलती कि तुझे पता तेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आदरणीय लता जी ने जय चित्तौड़ फिल्म में कुछ पंक्तियां गाई थी, आज से बहुत बरस बीत गए, मैं उन पंक्तियों को हमारे हमारे हमारी संस्कृति की आन बान शान का विषय क्या बहुत शॉर्ट में कर दूंगा। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, थोड़ा थोड़ा जगते हुए, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का, हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम आए, अगर देश के काम आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। टीना जी दो बात तो जरूर कहूंगा, मेरी आदत है, इस देश को मोदी और योगी मिल गए। 125 वर्ष पहले अमेरिका में एक भारत से सन्यासी गए, उन्होंने पूरे विश्व के सामने भारत की श्रेष्ठता को दो शब्दों में कह दिया, शब्द थे भाइयों और बहनों। नाम क्या था उनका, क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। 125 साल बाद एक सन्यासी फिर अमेरिका के लिए निकलता है, पूरे विश्व को दो शब्दों में बोल के भारत की श्रेष्ठता को फिर दर्शा देता है। तो देखो ये मोदी जी के डुप्लीकेट देख लो। एक पत्रकार ने सवाल किया कि मोदी जी आपके देश की क्या विशेषताएं हैं जो आप इतना कुछ बोलते हो। मोदी जी बोले, भाई प्रश्न बहुत जोरदार है, लेकिन तेरे को मेरे देश को समझने के लिए 7-8 जन्म भी लेने पड़ेंगे। हमने तो कीड़ी को कण दिया है, हमने तो नीम में भगवान को देखा है, हमने तो कुत्ते में भगवान को देखा है, विश्व में और कहीं ऐसा नहीं होता। दो पंक्तियां गा के इस रचना को समाप्त करना चाहता हूं। आप लोग अपने हाथों को उठाकर अभी तक के इस कार्यक्रम की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा को मैं संचित करना चाहता हूं। शायद आप लोग बहुत थक गए होंगे, लेकिन एक बार मेरे से, जीते हो किसी ने देश तो का। मैं गीत वहीं के गाता हूं।
का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। जहाँ की भी सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। भारत की बात आप लोग गा देना। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो जिनके होठ नहीं हिल रहे उनको मैं क्या कहूं। एक बार कोशिश कर ले, दोनों हाथों को उठा के। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो आपका है। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो महाराणा प्रताप वो चेतक जो असवार अठे, वो महाराणा प्रताप अठे वो चेतक जो असवार अठे, महाराणा प्रताप अठे।